रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उज्बेकिस्तानस्य राजधान्यां ताशकंदे आयोक्ष्यमाणे शंघाई सहयोग संघस्य रक्षा मंत्रिणां उपवेशने भागं भजिष्यति। रक्षा मंत्री उज्बेकिस्तानस्य स्वीय समकक्षेण लेफ्टिनेंट जनरल निजामोविच इत्यनेन सह द्विपक्षीय मेलनं विधास्यति। भारतीय समुदायेनापि सह राजनाथ सिंह संवदिष्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पराग्वे इति दक्षिण अमेरिकी देशस्य औद्योगिक संघे व्यापार सभां संबोधितवान्। कथितवान् व्यापार निवेशौ अस्माकं द्विपक्षीय गतिविधीनां केन्द्रे भविष्यतः। विदेश मंत्रिणा पराग्वे देशस्य व्यवसायी जनाः भारतदेशे निवेशार्थं आमन्त्रिताः। मध्य प्रदेशे महद्वृष्टिमालक्ष्य जलवायु विभागेन अवधानं प्रख्यापितम्। महद्वृष्ट्या प्रदेशेषु नैकेषु क्षेत्रेषु विद्युदापूर्ति बाधिता जाता। नैकेषु जनपदेषु विद्यालयाः पिहिताः। हिमाचल प्रदेशस्य कतिपयेषु स्थलेषु अनारत वृष्ट्या महती जनधनहानिरभवत्। राजस्थान प्रदेशस्य कतिपयेषु स्थलेषु महद्वृष्टिः। दिल्ल्याः नूतन आबकारी नीति प्रकरणे आरोपिताः आयुक्तः गोपीकृष्णा तथा उपायुक्तः आनंद तिवारी च केन्द्रीय गृह मन्त्रालयेन निलम्बिताः। तत्र भाजपेति दलेन मनीष सिसोदियायाः पदच्युतिः अपि याचिता। ऊर्जायाः वैकल्पिक स्रोतेषु तथा रूसी गैस आयातेषु निर्भरतायाम् अपचित्यर्थं जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जस्टिन ट्रूडो इत्यनेन सह मॉन्ट्रियल नगरे मेलनम् अकरोत्। हाइड्रोजन स्रोतस्य आपूर्ति विषये द्वयो देशयोर्मध्ये अनुबन्धं शीघ्रं भवितुं शक्नोति। क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन तृतीये एकदिवसीये द्वन्द्वे जिम्बाब्वे दलं त्रयोदश धावनांकैः पराजितम्। नवत्युत्तर द्विशतांक धावकान् लक्ष्यमनुसरन्तः जिम्बाब्वे दलस्य क्रीडकाः षट् सप्तत्युत्तर द्विशत धावनांकान् अर्जितवन्तः। त्रिंशदुत्तरैकशत धावनांकानाम् अर्जनाय शुभमन गिल द्वन्द्वस्य सर्वश्रेष्ठ क्रीडकरूपेण चितः। अभिवादये अहमस्मि प्रज्ञा, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ विशदीकृताः वार्ताः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अद्य उज्बेकिस्तानस्य यात्रायै गमिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह उज्बेकिस्तानस्य ताशकन्दे आयोक्ष्यमाणे शंघाई सहयोग संघटनस्य रक्षामन्त्रिणां वार्षिकोपवेशने भागं भजिष्यति। स्वयात्रायां रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह उज्बेकिस्तानस्य रक्षामन्त्रिणा लेफ्टिनेंट जनरल निजामोविच इत्यनेन सह द्विपक्षीयोपवेशनमपि विधास्यति। एतदतिरिच्य असौ उज्बेकिस्ताने ये भारतीय समुदायस्य जनाः निवसन्ति तैः सह मेलनमपि करिष्यति। ध्येयमिदं यत् शंघाई सहयोग संघटनस्य रक्षामन्त्रिणाम् एतस्मिन्नुपवेशने नैकेषु महत्वपूर्ण विषयेषु चर्चा भवितुं शक्नोति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पराग्वे इति दक्षिण अमेरिकी देशस्य औद्योगिक संघे व्यापार सभां संबोधितवान्। कथितवान् च व्यापार निवेशौ अस्माकं द्विपक्षीय गतिविधीनां केन्द्रे भविष्यतः। विदेश मंत्रिणा पराग्वे देशस्य व्यवसायी जनाः भारतदेशे निवेशार्थं आमन्त्रिताः। इतः प्राक् विदेश मंत्री एस जयशंकरः पराग्वे देशस्य राष्ट्रपतिना मारितो अब्दो वर्येणापि मिलितवान्। अस्यां चर्चायां विदेश मंत्री प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः पक्षतः राष्ट्रपति मारितो अब्दो वर्यं प्रति शुभकामनाः प्रदत्तवान्। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयेन दिल्ल्यां प्रवर्तमानायां नूतन आबकारी नीति विषये सीबीआई इति केन्द्रीय जांच प्राधिकरणेन आरोपिताः आयुक्तः गोपीकृष्णा उपायुक्तः आनन्दः तिवारी च इत्येतौ निलम्बितौ। दिल्ल्याः उपराज्यपालः विनय कुमार सक्सेना नूतन आबकारी नीत्याः सम्बन्धे आबकारी विभागस्य एकादश अधिकारिणां विरुद्धे गंभीर त्रुट्यर्थं निलम्बनात्मिका अनुशासनात्मिका च प्रक्रिया संस्तुतवान्।
मध्य प्रदेश भूपाले अतिवृष्ट्या नैके वृक्षाः विद्युद्दण्डाः च पतिताः येन भूपाल नगरस्य नैकेषां क्षेत्राणां विद्युतापूर्तिः प्रभाविता संजाता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानः अतिवृष्ट्या उत्पन्नां स्थितिं चर्चितुं वरिष्ठाधिकारिभिः सह उपवेशनं कृतवान्। एतस्मिन् उपवेशने गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंगः, मुख्य सचिवः इकबाल सिंह बेंसः च उपस्थिताः आसन्। मुख्यमंत्री विदिशायाः जनपदाधिकारिभिः सह दूरभाषेण चर्चितवान् तथा च साहाय्योद्धार कार्याणां सूचनां प्राप्तवान्। मुख्यमंत्री भोपालस्य जनपदाधिकारिणं बैरसियायां साहाय्योद्धार कार्येभ्यः प्रेषितवान्। मुख्यमंत्री चौहानः भोपाले नैकेषां जलबन्धानां द्वारोद्घाटनस्य स्थितेः अपि समीक्षां कृतवान्। अनेन सहैव भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़ क्षेत्रेषु अतिवृष्टेः स्थितेः समीक्षां च कृतवान्। तत्रैव भोपाल नगरे आयोजिते सहकारी संस्थानां कार्यक्रमे केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमरः कथितवान् यत् सहकारितां वयं यावत् दृढीकरिष्यामः देशे कृषि व्यवस्था तावदेधिष्यते। भावना प्रबल होगी, हम एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे की ताकत बढ़ाएंगे और जब इस भाव से हम एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे तो आप ये मानकर चलो कि ताकत देखने में हमारी बढ़ेगी लेकिन उसका परिणाम देश की ताकत बढ़ाने के लिए होएगा। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह भोपाल यात्रायां रवीन्द्र भवने मुख्यमंत्री पुलिस आवास इति आरक्षीणां आवास योजनान्तर्गतं आरक्षीणां गृहाणां प्रशासनिक भवनानां च लोकार्पणं कृतवान्। केन्द्रीय गृहमंत्री 960,00,000,26,200,00,000 रूप्यकात्मकानां 4,13,00,000 आवासीय भवनानां 91,00,67,00,000 रूप्यकात्मकानां 45 प्रशासनिक भवनानां च लोकार्पणं कृतवान्। सहैव गृहमंत्री मध्य प्रदेशस्य 10 आरक्षी प्रशिक्षण संस्थानां 10 डिजिटल स्टूडियो इत्येतेषां केन्द्राणां च शुभारम्भं कृतवान्। गृहमंत्री भोपाले राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालयस्य भूमिपूजनमपि कृतवान्। एतस्मिन्नवसरे गृहमन्त्रिणा आरक्षिबलं प्रशंसितम्। तेनोक्तं यत् देशस्य एकतायाम् अखण्डतायां च आरक्षिबलस्य महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। अब तक जितने भी युद्ध हुए उसमें जितने जवान शहीद नहीं हुए 35,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी इस देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए अपनी जान गंवाए हैं, अपनी जान को देश के लिए नौछावर कराए, तब जाकर ये देश सलामत है। आज शांति का एक नया युग शुरू हो रहा है। अगर ये पुलिस कर्मी चाहे कहीं पर भी ड्यूटी करता हो, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक, वो मुस्तैदी से न खड़ा हो तो ये संभव नहीं है। गृहमन्त्रिणा उक्तं यत् भोपाले निर्माणशीले राष्ट्रिय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालयः नैकेभ्यः युवजनेभ्यः एतस्मिन् क्षेत्रे कार्याय अवसरान् प्रदास्यति। फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में कुशल प्रबंधक, ट्रेन मैनपावर और व्यवस्थाओं की जो क्षति हमारे देश में महसूस की जा रही है उसको पूरा करने के लिए नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का 27 एकड़ भूमि में एक परिसर आज यहां भूमि पूजन होने जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फोरेंसिक्स के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलने वाला है। गृहमन्त्रिणा इदमपि उक्तं यत् विधिव्यवस्थायां परिवर्तनं भवेत् येन अपराधिभ्यः दण्डं प्रदातुं फोरेंसिक प्रमाणानाम् अधिकाधिकं प्रयोगं भवितुं शक्नोति। केन्द्रमे गृहमन्त्री बना तब हम सीआरपीसी आईपीसी के अंदर एविडेंस एक्ट के अंदर आमूलचूर परिवर्तन कर रहे हैं। एक एक धारा को बदलकर आज की जरूरियात के हिसाब से बनाना, पुलिस का कार्य पद्धति को
पूरी तरह से आधुनिक संवेदनशील और लक्षित बनाना, इस पर जब हम काम कर रहे थे एक विचार ऐसा आया कि 6 साल से ज्यादा जिसमें सजा है वो सारे गुनाह के अंदर फॉरेंसिक साइंस के एविडेंस को कंपलसरी करना चाहिए, इसकी विजिट कंपलसरी करना चाहिए। अब अंग्रेजों का शासन नहीं है, हमारा खुद का शासन है, क्यों थर्ड डिग्री उपयोग करना? मगर रोकथाम तो करनी है, गुनाहों की करनी है तो वैज्ञानिक एविडेंस लाना पड़ेगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नागालैंड यात्रायां कोहिमा नगरं प्राप्तवती, यत्र नागालैंड प्रदेशस्य मुख्यमंत्रिणा नेफ्यू रियो वर्येण तस्याः स्वागतं विहितम्। वित्तमंत्री राजभवने राज्यपालेन प्रोफेसर जगदीश मुखी वर्येण सह संवदितवती। तत्र केन्द्रीय वित्त मंत्री राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड इत्यस्य निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा निवेश सभायाः उद्घाटनम् अकरोत्। अस्मिन्नवसरे सः अकथयत् नागालैंड प्रदेशे निवेशेन अत्र युवानः लाभान्विताः भविष्यन्ति। टुडे इंडिया सिमिलरली मार्किंग द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी हर्ड द प्राइम मिनिस्टर आल्सो से फ्रॉम द रेड फोर्ट दैट लॉजिस्टिक्स इन इंडिया इज गोइंग टू बी अ बिग प्ले वेयर गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स विल आल्सो कम इन। There is an investment pipeline, all of which are aiming to strengthen the infrastructure in the country, existing as well as new, brownfield and greenfield, for which a lot of investment is coming also through the various investment funds which are coming into the country. ऑस्ट्रेलिया देशस्य स्वीय समकक्षेण सह भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः शिक्षा परिषदः उपवेशने सिडनी नगरे केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानेन आध्यक्ष्यं निर्व्यूढम्। अस्मिन् द्विपक्षीय संवादक्रमे शिक्षा कौशल विकासः नवोन्मेषः शोधः उद्यमशीलता च इत्यादीनां विषये द्वयोः देशयोः मिथः सहयोगं वर्धितुं विचाराः प्रकटिताः। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरलाः कनाडादेशस्य हैलिफैक्स नगरे आयोज्यमाने पञ्चषष्टितमे राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलने भारतस्य संसदीय प्रतिनिधिमंडलस्य नेतृत्वं कुर्वन्नस्ति। एतस्मिन्नवसरे तेनोक्तं यत् भारत नीदरलैंड देशयोर्मध्ये राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक सम्बन्धाः सुदृढाः सन्ति। इतः पूर्वं ओम बिरलाः दाहेग इत्यत्र स्थिते सेवाधाम हिन्दू केन्द्रे गतवान्, पूजार्चनां च कृतवान्। असौ श्रद्धायाः प्रतीक रूपे सेवाधाम हिन्दू केन्द्राय एकं गणेश प्रतिमाम् उपहार रूपेण दत्तवान्। ऊर्जायाः वैकल्पिक स्रोतेषु तथा रूसी गैस आयातेषु निर्भरतायाम् अपचित्यर्थं जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स कनाडा देशेन सह ऐतिहासिकाय हाइड्रोजन आपूर्त्यनुबन्धाय सन्नद्धो अस्ति। कनाडा देशस्य द्विदिवसीयायां यात्रायां जर्मन देशस्य चांसलर सोमवासरे प्रधानमन्त्रिणा जस्टिन ट्रूडो वर्येण सह मॉन्ट्रियल स्थले मेलनम् अकरोत्। द्वौ नेतारौ कथितवन्तौ यूक्रेन देशे रूस देशस्य आक्रमणेन कनाडा जर्मनी देशयोः मैत्री दृढीभूता। कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडो अकथयत् कनाडा देशः तरल प्राकृतिक गैसस्य यूरोपे पूर्वीतटात् निर्यातार्थम् आशान्वितः अस्ति। तत्रैव जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स कथितवान् यत् द्वौ देशौ अल्पावधौ क्षमतां समेध्य ऊर्जायाः वैश्विकापूर्त्याम् अवदानाय यथासम्भव प्रयासाः करिष्यतः। भारतेन तिसृणां क्रीडानाम् एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां जिम्बाब्वे दलं 3-0 इत्यन्तरालेन पराजितम्। स्पर्धा मालिकायाः अन्तिमे द्वन्द्वे भारतं 13 धावनांकैः विजयं प्राप्तवत्। एतस्मिन् द्वन्द्वे भारतीय दलं पूर्वं क्रीडत् 89.2 धावनांकान् अधिगतवत्। प्रत्युत्तरे जिम्बाब्वे दलं 67.2 धावनांकान् अधिगतवत्। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मंगलं भूयात्।